सलाम वालेकुम एवरी वन, दिस इज़ बिलाल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम भाई LED बल्ब की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। ये जो बल्ब है, ठीक है, RGB वाला है, ठीक है, ये अपने कलर चेंज करता है। इसके अंदर कलर प्रोवाइड है, काफ़ी कलर है, मल्टी कलर ये चेंज करता है, ठीक है, फिल्म फ्लो भी करता है, स्लोली मोड भी है, यानी कि स्लो स्लो ना कलर को यूँ तब्दील करता जाएगा, ठीक है। ये सब इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, मिलते हैं वीडियो के बाद, लेट्स गो। तो यहाँ पे हमारा LED बल्ब आ चुका है, ठीक है, और यहाँ पे हमें उसने RGB वाला बल्ब भेजा है। ये जो RGB रिमोट वाला है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो यहाँ बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा, क्योंकि अभी सिंपल है, ठीक है। तो इसको अनबॉक्सिंग और रिव्यू करते हैं, और साइड पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप रोक के पढ़ भी सकते हो, ठीक है। जो आपका बल्ब है, ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये इंडोर वोल्टेज AC है, ठीक है, ये AC करंट प्रोवाइड लेता है, ठीक है। तो ये चलता है, यानी कि घर की जो भी आपका बोर्ड हो उसके अंदर, स्विच के अंदर आप ये इसे सिर्फ लगाना है और चलाना है, बस सिंपल। ये DC वोल्टेज वाला नहीं है, ठीक। तो इस बॉक्स के अंदर सिर्फ हमें एक बल्ब ही मिल जाता है। ये आपको एक होल्डर चाहिए होगा, जो कि एक चूड़ी वाला होल्डर है। ये आपके कोई भी नज़दीक शॉप पे अवेलेबल होगा, वहाँ से आप ये ले सकते हो। 20 से 15 रुपए का आपको ये मिल जाएगा, और इसके अंदर आपने अटैच कर देना, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये आपने अटैच, ठीक है, घुमा के यहाँ पे आपको टाइट हो जाएगा। जब ये टाइट हो जाएगा तो आप ये अपने सप्लाई जो बोर्ड है उसके अंदर लगाओगे और ये आपका चलेगा, ठीक है। तो मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ, ठीक है, और आप यहाँ पर रोशनी भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके मोड कैसे आप चेंज कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके मोड चेंज करने का तरीका ये है कि फर्स्ट टाइम जब आप लगाओगे ना, तो ये आपको वाइट रोशनी प्रोवाइड करेगा। आपने इसका मोड चेंज करना हुआ तो आपने इसको करना क्या है, आपका तो वहाँ पे बटन लगा होगा, आपने बटन को प्रेस करना है, तो फिर ऑन करना है, ऑफ ऑन करोगे तो ये अपने मोड चेंज करेगा, ठीक है। तो अभी मैं फिर उतार लेता हूँ, मेरे पास अभी बटन कोई भी नहीं लगा हुआ जिसको मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है। ये मैंने उतारा, ठीक है, ये मैंने अगेन दोबारा लगाया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये फिल्म फ्लोप होना शुरू हो गई है। दोबारा इसे अगेन, ठीक है, मैं इसे उतार के दोबारा लगाता हूँ तो फिर ये अपना दोबारा मोड चेंज करेगा। मैं अगेन बताता जाऊँ, आपका कोई बटन होगा, आपने बटन को ऑन ऑफ करना है तो ये मोड आपके चेंज करेगा, ठीक है। अभी मेरे पास ऐसा कोई बटन नहीं है जिसको मैं दबा के चेंज करवाऊँ, तो ये मैंने फिर उतारा और फिर लगाया। अब ये तीसरा मोड होने वाला है, और तीसरे मोड के अंदर आपको स्लोली कलर चेंज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, स्लो स्लो ये अपने कलर को चेंज करता जा रहा है। अगर इस बल्ब की बात की जाए तो ये RGB वाला बल्ब था, ठीक है, मल्टी कलर प्रोवाइड करता है, काफ़ी अच्छे अच्छे कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपको एक चूड़ी वाला होल्डर चाहिए होगा, जो कि आप इसे लगा के ना इसके अंदर यूँ अटैच करके आप फिर इसे किसी भी स्विच बोर्ड के ऊपर लगा सकते हो, और ये अपनी लाइट प्रोवाइड आपको करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये रिमोट वाला नहीं है, रिमोट वाला इंशाल्लाह बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा, वो रिमोट वाला बल्ब होगा, और वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप उस रिमोट से कंट्रोल इस बल्ब को कर सकते हो। बट ये सिंपल बल्ब था, फिर भी इसके अंदर बहुत बहुत अच्छे मोड दिए गए थे, तो काफ़ी अच्छा ये बल्ब है और बहुत अच्छा लगा है। डेकोरेशन के लिए भी काम ला सकते हो, गेमिंग सेटअप बनाने के लिए भी बहुत अच्छा काम आ सकता है, ठीक है। जो आपने करना हो आप पे डिपेंड करता है, आप क्या इसको काम ला सकते हो। बहुत अच्छी क्वालिटी का है LED बल्ब है। अगर आपने भी बाय करना हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर दबाना ताकि हर आने वाली आपको वीडियो मिल जाया करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।